Hello everyone again, myself Ami Patel from One Stop Pet Shop. As you have seen the earlier video of mine, you know हमारी pet shop अमरोली में सूरत में आई हुई है. तो पहले की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे नई ब्रीड हमारे यहाँ पे आती जाएगी, हम लोग आपको उनके बारे में न्यू वीडियोज बना के इन्फॉर्म करते जाएंगे. तो आज मेरी pet shop में जो नए dogs अवेलेबल है, मैं आज आपको उनके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ और उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. सो आज मेरी शॉप में ये न्यू मेंबर अवेलेबल है. इस ब्रीड को बीगल बोला जाता है. सो लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ब्रीड. सो एज यू कैन सी, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही सपोर्ट, मतलब कि बहुत ही सोशल होते हैं. ये दूसरों के साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सभी के साथ. और बहुत ही प्लेन मेंबर्स होते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा ये लोग खेलते हैं, ठीक है. और अगर इनकी पहचान अगर आपको करनी है कि ये प्योर ब्रीड है या नहीं, तो पहला तो इनका इनके ईयर्स देखने के, देन इनका जो ब्रॉड फेस है कि नहीं है, वो लार्जर फेस में है कि नहीं वो, और दूसरी उसकी ये टेल. एंड इट हैज़ वेरिएशन इन कलर, डबल कलर में मिलता है और ट्राई कलर में मिलता है. जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये ट्राई कलर में अवेलेबल है, ब्लैक कॉपर जैसा थोड़ा सा कलर रहेगा और दूसरा वाइट कलर. अभी दूसरी मेन चीज जो रहती है वो है इनका हेड. हेड में आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाइट शेड जो है वो यहाँ तक उनका फोरहेड तक इनका वाइट शेड रहता है, और उनकी जो टेल होती है वैसे स्ट्रेट ही रहेगी और टेल के एंड में मोस्ट प्रोबेबली वाइट कलर ही रहता है. सी ये बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही प्लेइंग होते हैं और बहुत ही इंजॉयबल होते हैं. अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इन डॉग्स को बहुत अच्छे से रख सकते हैं. एज यू कैन सी ये बहुत एक्टिव है. इनका बेसिकली इनका मेन ओरिजिन इंग्लैंड से होता है. और दूसरा ये कि ये इनकी हाइट 1.5 फुट जितनी ही होती है. सो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, फ्लैट में रह रहे हो, बंगलों में रह रहे हो, रो हाउस है, कहीं पे भी ये एडजस्ट हो सकता है. दूसरा कि इनको घूमना बहुत पसंद रहता है, ये दौड़ते भागते रहते हैं, ये कहीं पर भी एक जगह टिकते नहीं है. और तीसरी चीज़ ये कि इनका खाने में भी अमाउंट थोड़ा कम रहता है, ये पग से भी थोड़ा कम खाते हैं. मेरे पास ये अभी बहुत ही हाई क्वालिटी में अवेलेबल है, मेल है. अगर आपको प्राइस के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है और तो और नीचे ना मेरा नंबर स्लैश भी हो रहा है, आप उसके ऊपर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि ये पग से थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर ईटिंग की वजह से ये ओवर वेट भी हो जाते हैं. और ये ओवर वेट ना हो इसके लिए इनको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत बहुत रहती है. और फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनको दिन में 30 से 40 मिनट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहना चाहिए. इनको वॉकिंग, इनको रनिंग, कुछ ना कुछ पूरे दिन में करवाते रहना चाहिए, जिससे इनका वेट भी मेंटेन रहे और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ऐसे ही मैं नए वीडियोस लाती रहूँगी, जैसे ही मेरी शॉप में नई नई ब्रीड आती रहेंगी, नए नए पपीज आते रहेंगे. अगर आपके घर पर ऑलरेडी ये ब्रीड अवेलेबल है एज योर पेट, और इसकी केयरिंग कैसे करनी है, इसका ध्यान कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, अगर खाना बंद कर रहा है तो क्या खिलाना है उसके अपोजिशन में,
एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आई विल गिव और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली और यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। सो ऐसे ही नई वीडियोज लाती रहूंगी एंड होप यू लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।